हेलो एवरीवन, शुभम दिस साइड। सो गाइस, टुडे आई हैव अ वेरी गुड टॉपिक। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, बेसिकली आज हम ये जानने वाले हैं लिनक्स पे एग्जैक्टली क्या टास्क परफॉर्म किए जाते हैं इन आईटी इंडस्ट्रीज। तो गाइस, ये वीडियो आप एंड तक देखें। यदि आप एज ए लिनक्स जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। साथ ही यदि आप आईटी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो गाइस, फर्स्ट पॉइंट है कि लिनक्स एग्जैक्टली आईटी कंपनीज क्यों यूज करती हैं। तो गाइस, बेसिकली लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड इट इज अ फार सिक्योर एज कम्पेयर टू विंडोज, बिकॉज जो लिनक्स है वो ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑल कंपनीज लिनक्स इसलिए यूज करती हैं क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग लिनक्स ओपन सोर्स अपने अकॉर्डिंग कोड में चेंजेस कर सकती हैं एज पर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। बट इफ टॉक अबाउट विंडोज, तो विंडोज में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि विंडोज के सोर्स कोड को बाय करना पड़ेगा। बट इफ टॉक अबाउट लिनक्स, तो लिनक्स ओपन सोर्स है, फ्री है, इजिली आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है गाइस। इफ टॉक अबाउट सिक्योरिटी, सो लिनक्स इज मोर सिक्योर एज कम्पेयर टू विंडोज एंड इट्स ए वायरस फ्री। गाइस, लिनक्स एक सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है क्योंकि यदि आपके पास लिनक्स में फाइल्स हैं, फोल्डर हैं, तो यू कैन इजिली इम्पोज द परमिशंस एंड राइट्स ऑन फाइल एंड फोल्डर्स बाय द chmod कमांड। बट यदि आप बात करते हैं विंडोज की, तो विंडोज में भी फाइल्स को लॉक किया जा सकता है या डिस्क को लॉक किया जा सकता है, बट ये इतना सिक्योर नहीं है। यही रीजन है कि मोस्टली आईटी कंपनीज लिनक्स को ही प्रेफर करती हैं। बात करते हैं यूजेस की। सो गाइस, मोस्टली आईटी कंपनीज लिनक्स यही इसलिए यूज कर रही है, ठीक है। और यदि आप बात करते हैं वेबसाइट होस्ट करने की, तो 80% जनरेशन लिनक्स ही यूज कर रही है अपने वेबसाइट या अपने सर्वर्स को होस्ट करने के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस एंड इट्स ए कंप्लीटली फ्री। एंड वन मोर थिंग गाइस, लिनक्स एक टर्मिनल देता है और लिनक्स में कुछ कमांड्स होती हैं, ठीक है। आप इजीली अपने एप्लीकेशन को, अपने फाइल्स को सिक्योर कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो बाय द टर्मिनल, ठीक है गाइस। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे आपको टर्मिनल पे लेके चलता हूँ। सो गाइज, ये टर्मिनल मैंने ओपन किया हुआ है और हम डिस्कशन करने वाले हैं बेसिकली लिनक्स पे क्या टास्क परफॉर्म किए जाते हैं ऑन डेली बेसिस। सो गाइज, सपोज दैट यदि आप के पास कोई अपाची सर्वर है, ठीक है, और आप अपने अपाची सर्वर की लॉग्स इन्फॉर्मेशन चेक करना चाह रहे हो कि एग्जैक्टली यदि आपका अपाची सर्वर चल नहीं रहा है या टाइम आउट हो गया है तो एग्जैक्टली क्या इशू रहा, तो उसके लिए हर कंपनी में लॉग्स एनालाइज किए जाते हैं, ठीक है। बाय द वे, कोई भी इशू हो सकता है कि आपका टाइम आउट हो सकता है, कोई अदर इश्यूज हो सकता है, आपका एप्लीकेशन की टाइम आउट होता है, बंद हो जाता है, तो उस पर्पस के लिए हम लोग चेक करते हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द इश्यूज। तो उसके लिए सिंपल में कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे वार वेयर में जाएंगे, लॉग में जाएंगे। सपोज दैट मैं यहाँ पे MySQL एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, मैं MySQL के लॉग चेक करना चाहता हूँ, MySQL एंटर मार दूंगा और यहाँ पर एक फाइल होगी, लॉग फाइल होगी। ये मेरी लॉग फाइल है, मैं इसको यहाँ पे कैट से ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। तो एग्जैक्टली मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मेरा जो MySQL DB है, मैंने कब स्टार्ट किया, कब मैंने शटडाउन किया, ठीक है, कब लास्ट लॉगिन हुआ, तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। यदि लॉगिन नहीं हुआ तो क्या टाइम आउट आया, एग्जैक्टली सारी इन्फॉर्मेशन लॉग में विजिबल होती है। तो गाइस, इस तरह से आप लॉग चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉप की। गाइस, सपोज आप अपना अपाची सर्वर यूज कर रहे हो और आप ये जानना चाह रहे हो कि डिस्क इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हो कि कितना मेमोरी यूज हुआ है, कितना सीपीयू यूज हुआ है, कितनी मेमोरी मेरी बाकी है, तो उसके लिए यहाँ पे आप सिंपल यूज करोगे df स्पेस -h। ये एक ऐसी कमांड है, मोस्टली आईटी कंपनीज इस कमांड का यूज करती हैं। लीजिए, आप लिनक्स एडमिन हैं या आप किसी भी जॉब पे हैं, इस कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है, फॉर द लिनक्स टर्मिनल। आपके पास कितनी मेमोरी है, कितनी माउंटेड मेमोरी है, ठीक है, कितने आपके पास डिस्क स्पेस है, आप इससे चेक कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की, फ्री स्पेस -m। इस कमांड के थ्रू आप मेमोरी चेक कर सकते हो, ठीक है, सीपीयू चेक कर सकते हो, कैश मेमोरी कितनी है, अवेलेबल कितनी है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हो। ये भी एक ऐसी कमांड है, डेली बेसिस पे आईटी कंपनीज में लिनक्स जो एडमिन होते हैं वो इस कमांड का यूज करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की। अभी नेक्स्ट कमांड की बात करते हैं, मैं लिखूंगा टॉप कमांड।
जैसे मैंने आप टॉप कमांड टाइप किया, यहाँ पे एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ब्रीफ हुई है कि हमारा सीपीयू कितना है, मेमोरी कितना है, टाइम कमांड। सो गाइज, इस कमांड का भी यूज बेसिकली मॉनिटरिंग पर्पज से किया जाता है। आप इसके थ्रू अपने सीपीयू मेमोरी को मॉनिटर कर सकते हैं कि आपकी कौन सी कमांड, कौन सा प्रोसेस आपका कितनी मेमोरी और सीपीयू ले रहा है। इस कमांड का भी एग्जैक्टली हम यूज करते हैं। ठीक है, मोस्ट आईटी जो कंपनीज होते हैं, जो लाइन एडमिन होते हैं, इस कमांड का मोस्टली यूज करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की। मैं यदि यहाँ पे एक कमांड होती है ps स्पेस हाइफन ef, मैंने यहाँ पे एंटर किया, टाइप किया। ठीक है गाइज, यदि आप प्रोसेस मॉनिटरिंग के डीपली एनालाइज लेना चाहते हैं तो यहाँ पे हम ps स्पेस हाइफन ef का यूज करते हैं कि कौन सा प्रोसेस रनिंग है, किस कमांड के लिए रनिंग है, उस कमांड का एग्जैक्टली पाथ क्या है, ये प्रॉपर पाथ इन्फॉर्मेशन आपको विजिबल करता है। इस कमांड का भी मोस्टली यूज किया जाता है। ये कमांड आप नोट डाउन कर लीजिए, इट इज वेरी यूजफुल कमांड। बात करते हैं किल कमांड की, किल स्पेस हाइफन एल। गाइस सपोज दैट आपके पास कोई प्रोसेस है जो आपका मेमोरी, हाई मेमोरी ले रहा है, हाई सीपीयू ले रहा है, आप उसको किल करना चाहते हो, सिंपली आपको लिखना होगा किल स्पेस हाइफन एल और यहाँ पे प्रोसेस का नाम या प्रोसेस आईडी, एंटर कर देंगे प्रोसेस किल हो जाएगा। इस कमांड का भी मोस्टली यूज किया जाता है प्रोसेस को किल करने के लिए। ठीक है गाइस, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। और अब बात करते हैं हम सपोज दैट कि गाइस, यदि आपके पास कोई एप्लीकेशन है, आप चाहते हो कि आपका जो वेब अपाची सर्वर या आपका MySQL सर्वर है डेली मॉर्निंग में 8 बजे रिस्टार्ट हो जाए। ठीक है, आपको अपना सिस्टम टच भी करना ना पड़े, डेली आपको कोई टास्क ऑपरेशन परफॉर्म ना करना पड़े एट 8 PM और आपका सिस्टम रिस्टार्ट हो जाए, आपका जो एप्लीकेशन है वो रिस्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्रोन टैब का यूज करते हैं। एक क्रोन टैब का एक फीचर्स है, लाइनस्टिक फीचर्स है, इसके थ्रू हम टास्क ऑटोमेट कर सकते हैं, जॉब सेटअप कर सकते हैं उस टाइम फ्रेम के लिए, ताकि जो हमारा लैपटॉप है, जो हमारा एप्लीकेशंस हैं, वो रिस्टार्ट हो जाए। ठीक है गाइस, ऑटोमेशन के लिए इस टास्क का यूज किया जाता है क्रोन जॉब का। हम इसलिए भी कर सकते हैं, सपोज दैट आपके एप्लीकेशन में आप चाहते हो मेरे 1 महीने पुराने लॉग्स या मेरे 1 हफ्ते पुराने लॉग्स ऑटोमेटिकली डिलीट होते रहे, तो उसके लिए भी यहाँ पर क्रोन जॉब सेटअप की जाती है। ठीक है, एवरीडे टास्क परफॉर्म होता है, एवरीडे जॉब चलती है और आपके जो ओल्ड लॉग्स होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं। ये वो टास्क हैं जो हर कंपनीज में परफॉर्म होते हैं। ठीक है गाइस, तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, इसकी वीडियो मैंने प्रॉपर बनाई है, क्रोन टैब से टास्क को कैसे शेड्यूल करते हैं, ये वीडियो आप देख सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। ठीक है गाइस, अब साथ ही बात करते हैं क्रोन टैब का नेक्स्ट फीचर्स। गाइस मोस्टली जो आईटी कंपनीज होती हैं वो क्रोन टैब किस लिए यूज करती है, इफ टॉक अबाउट अमेजन या फ्लिपकार्ट। गाइस सपोज दैट आप अमेजन से रिचार्ज कर रहे हो और आपका रिचार्ज फेल हो जाता है, या और भी यूजर रिचार्ज कर रहे हैं उनका रिचार्ज फेल हो जाता है और आपका जो बैलेंस है वो कट जाता है। सो गाइज, हर कंपनी में क्रोन जॉब सेटअप की जाती है जो फेलियर रिक्वेस्ट को वंस मोर रिट्राई करती है ताकि उनको सक्सेस किया जा सके। ठीक है गाइज, उनको सक्सेस किया जा सके इसलिए क्रोन जॉब सेटअप की जाती है। कभी कभी बैलेंस कट जाता है, रिचार्ज नहीं होता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम क्रोन उस रिक्वेस्ट को दोबारा रिहिट करती है और आपके जो रिचार्ज होता है उसको सक्सेस कर देती है। ये प्रोसेस है, ये क्रोन जॉब का यूज है जो हर कंपनी में होता है। इफ टॉक अबाउट फोन पे, इफ टॉक अबाउट अमेजन, इफ टॉक अबाउट फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ऑल कंपनी यूज द सेम प्रोसेस फॉर सक्सेस द रिक्वेस्ट इफ इफ रिचार्ज गेट्स फेल। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है, सपोज दैट आपके पास अपना अपाचे सर्वर है, ठीक है, और आप उसको एक्सेस करना चाह रहे हो, आपके पास सपोज डेट आपके पास प्रोड के, लिनक्स के 5 सर्वर हैं या यूएट के सर्वर्स हैं, आप उनको इजीली पुट्टी के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। आप पुट्टी ओपन करोगे, जैसे यहाँ मैंने ओपन किया हुआ है, और आप आईपी के थ्रू उसको इजीली एक्सेस कर सकते हो और अपने लॉग्स, अपने एनालाइज, प्रॉपर इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो, क्योंकि पुट्टी का भी यूज मोस्टली आईटी कंपनीज होती हैं जस्ट फॉर द रिमोट एक्सेस लेने के लिए, ताकि आप अपने एप्लीकेशन को, अपने सर्वर्स को इजीली एक्सेस कर पाओ। ठीक है गाइस, सो गाइस ये वीडियो यदि आपको पसंद है या है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही आपको कोई डाउट है कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। ये वो कुछ टास्क थे जो इंपॉर्टेंट थे बहुत, जो मैंने आज आपको इस वीडियो में बताए हैं। ठीक है गाइस, सो गाइस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कोई डाउट है कमेंट में मेंशन करें। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।